आपके सामने रखा हुआ मेटल पजल जिसे सीजर शेप मेटल रिंग पजल के नाम से जाना जाता है, आज इस पजल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। टारगेट बिल्कुल आसान है, आपको ये रोप में फंसा हुआ ये जो रिंग है ये पूरा रोप के साथ में पूरे एक्सप्रेशन से बाहर करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये जो रोप पजल हमारे पास आती हैं इनमें खास बात होती है, जो प्रीवियस पजल्स आपने देखी हुई हैं उनसे ये थोड़ी सी अलग होती हैं। खास बात ये होती है कि उसमें सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करने का जो तरीका होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इसको बहुत खूबसूरती से सॉल्व किया गया। चलिए देखते हैं कि इससे वापस से अंदर इंजेक्ट किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस पैटर्न पर हम लोग अदर मेटल पजल्स को सॉल्व करते हैं, रोप पजल का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका होता है जो इसमें सिस्टम को इंजेक्ट करने का तरीका होता है। अदरवाइज बाकी की जो पजल्स होती हैं उसमें क्या रहता है कि जो बाहर सिस्टम से बाहर लाने का तरीका होगा उसी सेम पैटर्न पर सिस्टम के अंदर ले जाने का भी तरीका होगा।